इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां हाथरस हादसा, शोक संतप्त परिवारों के जख्मों पर सहायता का मरहम। हाथरस हादसे में जान गंवाने वाली खुर्जा निवासी गौरी के परिवार से मिले विधायक और जिलाधिकारी। खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह ने मृतका के पिता को 2 लाख की आर्थिक सहायता राशि का चेक दिया। हादसे में घायल हुई अशो देवी के परिजनों को भी 50,000 की आर्थिक मदद। हाथरस हादसे में खुर्जा निवासी 15 वर्षीय गोरी समेत 6 श्रद्धालुओं की हुई थी मौत। खुर्जा विधायक व बुलंदशहर जिलाधिकारी सीपी सिंह द्वारा वितरित किए गए चेक, खुर्जा के उप जिलाधिकारी दुर्गेश सिंह व तहसीलदार आदि मौजूद रहे। यूपी क्राइम न्यूज के लिए बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। सर, शेरपुर नायसर में आए हैं, एक बड़ा हादसा हुआ था हाथरस में। सर, मुख्यमंत्री जी की तरफ से क्या राहत आई है और प्रशासन ने यहाँ क्या? देखिए, हाथरस में आप सभी जानते हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। बुलंदशहर जनपद के 5 लेडी की उसमें दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है और 2 घायल हैं। ये इस गाँव में भी एक बच्ची गौरी जो 15 साल की थी, उसकी वहाँ भगदड़ में मौत हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी शोक संवेदना भेजी है। मैं और माननीय विधायिका जी श्रीमती मीनाक्षी सिंह जी यहाँ हम लोग आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से विवेकाधीन कोष से उनके 2 लाख रुपए की राहत राशि भी दी गई है। यद्यपि पैसे से उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, पूरा जिला प्रशासन, पूरी सरकार पूरे इन परिवार के साथ खड़ी है और इनको जो भी समस्या आएगी हम लोग हमेशा इनके साथ खड़े हैं। और जो भी हमारे यहाँ मतलब मृत्यु हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन सरकार और पूरा प्रशासन और माननीय हमारे विधायिका जी और जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं सब उनके पूरे परिवार के साथ खड़े हैं, उनके सुख दुख में उनके साथ हैं। आपकी बेटी की मृत्यु हुई थी हाथरस में, आप मौके पर मौजूद थे, क्या था पूरा घटना, कैसे हुई थी? सर, मौके पर था, मैं बेटी के पास ही था, धक्का लगा और धक्के में से मेरे से बेटी का हाथ छूट गया। बेटी का हाथ छूटते ही बेटी गिर गई, एक पल का भी समय नहीं मिला जो बेटी उठा लेता, इतने तो फिर धक्का लगता रहा और उसके ऊपर गिरते रहे लोग। भगदड़ का क्या कारण रहा होगा? सर, भगदड़ का मुझे पीछे का तो कारण की पता नहीं कि क्या कारण था, लेकिन मुझे अपनी बेटी के पास की पता है कि मेरी बेटी जैसे गिरी तो मुझे टाइम नहीं मिला और उसके पास ऊपर एक के ऊपर एक एक के ऊपर 4-5 लेडीज़ें उसके ऊपर गिर गई, वो भी ख़त्म हो गई लेडीज़ें ऊपर वाली भी। हाँ। और मैंने 3-4 बच्चों को निकाला, छोटे छोटे इनको मासूम को। हाँ। और मैंने 10-12 लेडीज़ जो है का मृतक निकाली, जिनमें से 2 जिंदी निकली बस। लगभग कितनी की संख्या में वहाँ लोग इकट्ठे हुए होंगे? सर, अंदाज़ा लाखों से भी कई ज़्यादा है। अब आपको मुख्यमंत्री की तरफ से राहत दी गई है, क्या दिया गया है? 2 लाख रुपए दिए गए हैं, चेक दिया गया है अभी। और कोई मांग करते हैं सरकार से? सर, मांग तो होनी चाहिए। क्या क्या मांग करते हैं? अब बेटी चली गई, इससे बड़ी क्या चीज़ है। शेरपुर नायसर में आई है, एक बच्ची की मौत हुई है, प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से क्या दिया गया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत संवेदना प्रकट की है, बहुत शोक व्यक्त किया है और ये हमारे पूरे प्रदेश के लिए बहुत हृदय विदारक घटना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार की तरफ से हमारे 2 लाख रुपए पीड़ित परिवार को भिजवाए हैं और जैसा कि हमें पता चला था, बच्ची 15 साल की और अभी 10th पास किया था, 11th क्लास में थी गौरी, और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं। जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, पूरा शासन, पूरा हमारे प्रशासन के लोग, हम सभी लोग इनके पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। और मुझे लगता है कि इतनी हृदय विदारक घटना पे हम लोग बहुत ही मानसिक रूप से टूट चुके हैं और इसीलिए परिवार के साथ खड़े हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद मौके का जायज़ा लिया था हाथरस पहुँच कर, और आज हम लोग यहाँ गाँव में शेरपुर नायसर आए हुए हैं।